हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सा वे है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्टार कनेक्शन बनाया हुआ है। ये स्टार के फॉर्म में है इसलिए इसे बोलते हैं हम स्टार कनेक्शन। और डेल्टा, डेल्टा का साइन आप सबको पता है कि इस तरीके का होता है कुछ, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो इस शेप में ये सर्किट है हमारे पास, तो इसे बोलते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले हम देखते हैं कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे होता है। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये मैं एक डेल्टा बना देता हूं। ये डेल्टा है 1 2, इस पे हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं 1 2 और 3, और इसे मैं नाम दे देता हूं R12। 1 और 2 के बीच में, इसलिए R12 नाम दे दिया इसे। इसे R13 और इसे R23। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इस वे में। इस वे में हमें इसे कन्वर्ट करना है, और इस पे भी हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं 1 2 और 3। इसे मैं नाम दे देता हूं R1, इसे मैं नाम दे देता हूं R2, और इसे R3। अब हम इसे जब स्टार में बदलेंगे तो ऐसा दिखेगा वो। अब हमें ये निकालना है, ये मान लो हमारा R1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इस पूरे का सम आ जाएगा। R1 निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस लेग से जो दो ब्रांचेस जा रही है उन दो ब्रांचेस में जो दो रेजिस्टर्स है उन दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट करना है। R13 इंटू R23 अपॉन, अब नीचे सबका सम आ जाएगा R13 प्लस R23 प्लस R12। इसी तरह हमारे पास R2 जो है वो यहाँ पर है, ये R2 है। तो R2 निकालने के लिए हम इन दो ब्रांचेस के रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे और नीचे ये पूरा सम एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास R12 जो है R12 इंटू R23 अपॉन, ये एज इट इज हमें लिखना है यहाँ पे R13 प्लस R23 प्लस R12। थर्ड हमारे पास हमें R3 निकालना है। R3 जो है वो ये है, R3 जो है वो यहाँ पर है, ये थोड़ा मैंने छोटा बना दिया है पर R3 ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R3। R3 की जो वैल्यू आएगी अब वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं R12 इंटू R13 नीचे एज इट इज हमें सम लेना है। तो इस तरीके से हमने डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर दिया है। अब जो नया स्टार बनेगा वो इस तरीके का बनेगा,
इसमें आर वन ये रहेगा, आर टू ये रहेगा और आर थ्री ये रहेगा, जिसमें आर वन की वैल्यू हमारे पास है ये, आर टू की है ये और आर थ्री की है ये। अब हम देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये हमारे पास स्टार है, ये आर वन, ये है आर थ्री और ये है आर टू। अब हमें इसे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ये बना दिया हमने एक डेल्टा, जिसका हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे थ्री और वन को जोड़ के बन रहा है, इसलिए आर थ्री वन। यहाँ पे थ्री और टू को जोड़ के ये बन रहा है, तो आर थ्री टू। और यहाँ पे आर वन टू, आर वन और आर टू, आर वन टू। इसे कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ऐसा कनेक्शन आएगा डेल्टा में। आर वन थ्री या आर थ्री वन एक ही बात है, आर वन टू, आर टू थ्री। अब हमें आर वन थ्री की वैल्यू निकालनी है, इंडिविजुअल आर वन टू, आर आर वन, आर टू, आर थ्री के फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आर वन थ्री कैसे निकलेगा। आर वन, तो पहले हम इन दोनों का सम ले लेंगे, आर वन थ्री निकालना है हमें, सॉरी। तो हम इन दोनों का पहले सम ले लेंगे, आर वन प्लस आर थ्री। अब प्लस, अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, आर वन इंटू आर थ्री, और डिवाइड के अंदर वो वैल्यू आएगी जो नहीं आई है। आई कौन सी नहीं है, आर वन आ गया और आर थ्री आ गया, आर वन आ गया, आर थ्री आ गया, आर टू नहीं आया, तो हम आर टू को डिवाइड में लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई आर वन थ्री की वैल्यू। इसी तरह आर वन टू की आएगी, आर वन टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर वन प्लस आर टू प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड में अपॉन में हम लिखेंगे जो वैल्यू नहीं आई है। आर वन आ गया, आर टू आ गया, आर थ्री नहीं आया, तो अब आर थ्री यहाँ पे आ जाएगा। आर वन टू भी हमारे पास आ गया। थर्ड बचा आर टू थ्री, आर टू थ्री, आर टू थ्री में आर टू प्लस आर थ्री प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट आर टू इंटू आर थ्री, और डिवाइड में जो नहीं आया वो आर वन नहीं आया। तो हमारे पास इस तरीके से स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की कुछ सिंपल ट्रिक्स थी। थैंक यू।